हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है इस्तर ध्यान, जैसे लुका 22 अध्याय उसकी 41 से 43 आयत में लिखा, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है तो फिर आपको आशीषित होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप कभी अपनी बुलाहट से नहीं भटक सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें संदेश देता है हमें अपने जीवन में कैसे स्थिर बने रह सकते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखो तो बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ना था तो वह एक दिन पहले प्रार्थना कर रहे थे और एक स्वर्गदूत उन्हें सामर्थ दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह को यह पता था कि वह मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया और वह पूरा किया जो कुछ करने के लिए वह इस धरती में आए थे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें यह संदेश देता है कि परमेश्वर की हमारे जीवन में एक योजना है और हम उसे तभी पूरा कर सकते हैं अगर हम अपने ध्यान को भटकने न दें और परमेश्वर के वचन पर स्थिर बने रहे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि कौन सा चेला मुझे पकड़वाने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे डांटा या मारा नहीं, वह फिर भी स्थिर और शांत रहे। यह इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह का ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करने की तरफ था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप चुने गए हो और आप एक आत्मिक लड़ाई में हो और आप उस लड़ाई को तभी जीत सकते हो जब आप आत्मा में स्थिर हो और आपका ध्यान स्थिर न हो तो आप अपनी लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल बताती है कि इसहाक परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। आप जानते हैं कि जब हामान ने पूरी इसराइली जाति को खत्म करने की योजना बनाई तो बाइबल बताती है कि एस्तेर ने 3 दिन रात के रोजे रखे और राजा के पास जाकर कहा कि मैं चाहती हूँ कि तू कल आप मेरे साथ रोटी खाने के लिए आए और हामान को साथ लेकर आए, क्योंकि उस समय तक उसके रोजे पूरे नहीं हुए थे। एस्तेर ने अपनी शरीर ताकत से हामान से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ध्यान को स्थिर रखकर आत्मिक तरीके के साथ लड़ी और अपनी पूरी इसराइली जाति को बचाकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने ध्यान को परमेश्वर की योजना और उसके वचनों से हटने ना दे और अपनी बुलाहट में स्थिर बने रहे, तब आप भी एक दिन अपने परिवार और अपने लोगों के छुटकारे का कारण बनेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपनी सामर्थ मुझे दे, ताकि मैं हमेशा अपने ध्यान को स्थिर रख सकूं और आपके वचनों पर चलकर अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की।